अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, बेहतरीन होंगे, अपने घरों में खुश बाश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक मिनट पहले मैं अपना ये पंखा बंद कर दूँ ताकि आवाज़ जो है वो क्लियरली आए। यस, तो हाँ जी, सीन कुछ इस तरह से है। व्लॉग जो है वो मैं सबसे पहले आपको करती हूँ जी वेलकम अनदर डे अनदर व्लॉग। सो मैंने सोचा रेडी शेडी में हो गई हूँ, सबसे पहले करते हैं अपना इंट्रो रिकॉर्ड। और मैंने बालों को आज स्ट्रेट नहीं किया क्योंकि यार रोज़ स्ट्रेट करने से ना जो बालों का बेड़ा गर्क होता है ना वो, बस मैं आपको क्या बताऊँ। तो इस वजह से आज हम नहीं करेंगे जी इसको स्ट्रेट, और आज हमने बस ऐसे ही हल्का हल्का सा जो है वो ड्रायर मारा है ताकि बाल थोड़े से इंसानों वाले लगें। और आज सुबह सुबह मेरे अंदर जो है वो थोड़ी ज़्यादा वाली एनर्जी है, और मैं ऐसी चाहती हूँ कि ऐसी रोज़ाना ऐसी एनर्जी आए। और अभी नाश्ता वाश्ता मैं नहीं कर रही क्योंकि नाश्ता करने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है और मेरे रिक्शे वाला इतना आ जाता है। अभी उसने कहा था कि भाजी मैं अपने बच्चों के लिए नाश्ता ले रहा हूँ तो मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। मैंने कहा चलें जी कोई मसला नहीं, आप थोड़ी देर तक आए। अच्छा, अब सीन कुछ इस तरह से है कि आप लोगों को मैं एक बात बताती हूँ कि मेरे साथ कल क्या हुआ। मेरे साथ कल हुआ कि भाई मैंने खा लिया चना चाट, और उसमें चने और लोबिया की जो मतलब प्रोटीन्स थी ना वो ज़्यादा थी। ठीक है, चने और लोबिया दोनों में जो है वो अच्छी हाई क्वांटिटी वाली प्रोटीन्स होती हैं, तो वो मैंने खा तो ली। चना चाट मैंने भर के प्लेट खा ली। रात को कुछ सीन इस तरह से हो तो मेरे फेस पे यहाँ पे टैनिंग और यहाँ पे बड़े बड़े से वो रेडनेस आ गई। इतना बड़ा बड़ा मोट है, मतलब अजीब सा हो गया ना, एलर्जी टाइप का एलर्जी हो गई मुझे। अल्लाह, अब मैं सोचूं कि ये हुआ क्या, मुझे समझ भी ना आया। मैं गई उधर अबिश की तरफ, उधर बैठी हुई तो उधर वो लोग मुझे कहती हैं कि भाई तुम्हें फेस पे क्या हुआ है, तुमने कोई वैक्स वगैरह की है या ऐसा कुछ है। मैंने कहा भाई मैं तो, आप लोगों को भी पता होगा मैं जो करती हूँ मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, मैं व्लॉग बना लेती हूँ, मैं वैक्स करती ही नहीं हूँ अपने फेस पे क्योंकि मुझे वैक्स सूट नहीं करती, मुझे दाने निकल आते हैं, मैं कभी भी वैक्स नहीं करती। मैंने उनको बताया यार मैं वैक्स नहीं करती, सच में मैंने कुछ भी नहीं किया फेस पे। वो करते 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 मेरा पूरा फेस रेड हो गया। खैर, इतने में मम्मा की कॉल आई। मम्मा को जो है, पापा को भी कभी कभी जो है वो एलर्जी हो जाती है। मम्मा को मैंने कॉल की, मम्मा को कि मम्मा इस तरह से मेरे फेस पे ये आ रहा है, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आपको मैं एक पत्ता सेंड करती हूँ, आप जाके ये मेडिसिन खाओ, इससे बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। फिर अल्लाह अल्लाह करके मैंने वो मेडिसिन ली, मैंने वो खाई, और रात तक खैर वैसे ही था फेस, लेकिन सुबह जब मैं उठी तो मैं बिल्कुल नॉर्मल अपनी असली हालत में थी। और अगर मैं ना लेकर सोती तो पता नहीं अगले दिन क्या होता क्या ना होता। ठीक है, तो अभी मेरा फेस बिल्कुल ठीक ठाक है। तो बात बहुत लंबी हो गई है, मेरा दुखड़ा बहुत लंबा हो गया है। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ, ऑफिस के लिए मुझे निकलना है। तो बस मुझे सिर्फ जूते पहनने और अपने वृक्ष वाले का भी मैं वेट कर रही हूँ, उसके चक्कर में मैंने इतना लंबा जो है वो इंट्रो रिकॉर्ड कर दिया है। तो अभी जो है वो भी चलेंगे, आज का दिन देखते हैं जी कैसे गुजरता है। आप लोगों ने ना बस लाइक करना है, कमेंट्स करने यार, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं करो, कुछ भी नहीं होता यार, मतलब ठीक है जो लोग होते हैं देखते भी हैं लाइक भी करते हैं, कॉमेंट्स नहीं करते यार, कर लिया करो। और सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले ना, इधर बेल आइकन का भी बटन होगा उसको भी दबा लो ताकि मेरी जल्दी से जल्दी जो भी नोटिफिकेशन हो तुम तक पहुँच सके। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ओके, और क्या करूँ, और कोई आई नहीं जल्दी और कोई आता ही नहीं है सामने, और कोई कहता ही नहीं है कि व्लॉग बनाए, सब शर्माते हैं ना, सब कहते हैं और तुम बताओ, और तुमने कपड़े इस्त्री करवा लिए थे फिर? नहीं यार, कोई बंदा है कपड़े इस्त्री करने वाला तो इसको दे दें प्लीज, ये बहुत ये आदत और मजदूर है, अपने कपड़े नहीं इस्त्री कर सकते। मैं अपने कपड़े धो भी नहीं सकती है, लूली लंगड़ी भी है। इवन कोई अगर बहुत ही फैला ना तो फिर ये अलमारी भी सेट कर दे, मतलब ये गंदी भी बहुत है, समझ मतलब अलमारी में कपड़े ही कपड़े तो हैं मुकद्दस, तो सबकी अलमारियों में कपड़े ही होते हैं, कौन सा कोई गंद डाल के रखता है। तुम्हारी अलमारी मैंने देखी थी बहुत गंदी थी, तुमने तो मेकअप इसी में रखा हुआ। अल्लाह माफ करे, मेरे ऑडियंस को पता है मैंने अपनी अलमारी भी दिखाई थी, अच्छा नाम के मैंने जब सेट की थी। कोई झूठ बोल ही नहीं सकता, मैं झूठ नहीं बोलती, आप लोगों को पता है ना मैंने आपको दिखाई थी अलमारी, अच्छा मैंने सेट। अभी आज की जाके आज मैं तो मेरे साथ आओ, शर्ट लगाते हैं, लगाते हैं शर्ट, मैं क्यों लगाऊं शर्ट, क्या शर्ट लगाती हूँ मेरी, अगर एक कोक थी वो भी चार हफ्ते से तुम मुझे, मैं इतनी सस्ती नहीं हूँ, मैं कोक नहीं पीऊंगी,
कोक पीनी नहीं थी। क्या करने थी? नाना था कोक पीनी नहीं थी। क्या करना था कोक से? कोक तुमने मेरे लिए लेके आई। बस चल मैं तुम्हारे लिए कल कोक लेके आऊंगी। ठीक है डन, सही चीज वाली। लेकिन शर्त मैं ही जीतूंगी, तुम आके चलो आज मेरे घर में, तुम्हें दिखाऊंगी किसी दिन आऊंगी, दिखाऊंगी मेरी अलमारी अगर खराब हुई तो ये ओपीटीपी की बजा के मुझे ट्रीट देगी। ओपीटीपी की क्या ट्रीट चाहिए? वो जाके सोचूंगी ना। चल ठीक, उनके लोडेड फ्राइज बस। नहीं जाके और भी कुछ बन सकता है? नहीं साथ में कोक भी होती है। तुम्हें पसंद नहीं है? तुम्हें तो पसंद है ना। एक बंदे को देखो, मुझे फ्राइज खाने को मिल जाएंगे, तुम्हें फ्री में कोक। मुझे फ्राइज खाते हुए लड़ते हैं। इतना कोई हसीन मौसम है ना ये देखो। ये देखो चोरी चोरी देख रही है, ये देखो चोरी चोरी नहीं सबके सामने देख रही हो, अपनी आंखों से देख रही हो। आपके पास आंखें भी हैं? आंखें भी अंधी हूँ। चाय पीती है वो भी विदाउट शुगर। अपने आप को स्मार्ट, अपने आप को स्मार्ट बनाना चाहती। हाँ जी जनाब, तो ये है जी एक और दिन। ठीक है, वो वाला दिन जो है वो मैंने स्किप कर दिया था, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। तो अगले दिन मैंने आके वीडियो बनाई थी, वो भी शाम के टाइम पे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग रिकॉर्ड कर लेते हैं भाई, आजकल ना दो तीन दिन बाद इसीलिए व्लॉग देती हूँ कि दो तीन दिन का जो क्लिप है वो मिक्स करके जोड़ती हूँ और उसके बाद ही कोई व्लॉग बन पाता है। तो इस वजह से ना आप थोड़ा गुजारा करें। और यहाँ पे मैं अपने डार्क सर्कल देख रही थी, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और सबसे मज़े की वाली बात बताऊँ, यहाँ पे मेरे पाँव पे छाले देख रहे हैं आप। हाय अल्लाह जी, इतने ज़्यादा वाले मुझे छाला बन गया था और इतने बुरे वाला बन गया था कि मैंने नई हील पहनी और उसकी वजह से बन गया था। और मेरी दूसरी साइड पर भी ये बन गया था, दोनों साइड पर जो हैं वो मुझे छाले बन गए थे। तो मैंने दराज से ऑर्डर किया था ये वाला, ये होता है जी हील्स को पहनने वाला, जो हील्स के अंदर आप डाल सकते हो, छाला नहीं बनता। और मैंने छाले के बाद पहना, मुझे पहले याद ही नहीं रहा कि भाई मेरे पास है और मैं पहन लूँ। तो जब छाला मुझे ऑलरेडी बन गया, ये वाली हील्स है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जब छाला मुझे ऑलरेडी बन गया उसके बाद मैंने पहना और उसके बाद मुझे याद आया। तो अभी मैं दूसरे वाले भी जो है पहनने लगी हुई, मैं दोनों छाले दिखा रही थी। और यहाँ पर जब ब्रेक का टाइम था तो मैं अपने टेबल के ऊपर रख के बैठी हुई थी कि जो है तकरीबन मुझे थोड़ा बहुत आराम आ जाए। तो उसके बाद खैर हम वापस आ चुके थे। और ये मेरी मोस्ट फेवरेट जगह है, छल्ली जहाँ पे बन रही होती है ना वो मेरी फेवरेट ही होती है। मुझे रोड और स्ट्रीट के फूड्स इतने अच्छे लगते हैं ना यार, मुझे आपको मैं क्या बताऊँ। और ये छल्ली में तो भाई मुझे बहुत ही मज़ा आता है खाने को। और सीन कुछ इस तरह से है कि मतलब कि आप अगर रोड स्ट्रीट का खाना नहीं खाते ना भैया, आपने कुछ दुनिया में ना कुछ मज़ा आपने लिया ही नहीं है। दुनिया में जब आए हैं तो यार कुछ ना कुछ जो है वो करते रहना चाहिए। और यहाँ पे जो है वो अगला दिन स्टार्ट हो गया है। मैं थोड़े थोड़े क्लिप लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो इतना खूबसूरत तरीन मौसम था, इतना खूबसूरत तरीन मौसम था कि मैं आपको क्या बताऊँ। और सुबह से स्टिल 5 बजे से बारिश हो रही थी और मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग रिकॉर्ड करते हैं। अभी आते हैं, थोड़ा सा जो है म्यूज़िक इन्जॉय करते हैं। ऐसा होता था कि सुबह छुट्टी कर लेते थे और डंडी मार लेते थे कि चलो जी आज छुट्टी है, आज नहीं जाएंगे। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको हर हाल में जो है वो ऑफिस जाना पड़ता है, चाहे आप जो मर्जी कर लें। प्रोफेशनल लाइफ में ना आपके पास ऑप्शंस नहीं होते, आपके पास जस्ट एक ही चॉइस होती है। ना आपके अब्बा जी का घर होता है, ना आपके अम्मा जी का। तो इस वजह से ना आप डंडी नहीं मार सकते। आप बारिश है चाहे ओले पड़ रहे हैं, आपने ज़रूर जाना अपने ऑफिस। यस, सो एवरीवन वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो अभी जो है वो हम आए हैं जी ऊपर छत पे थोड़ी देर के लिए। और मेन द रीज़न ऑफ के हमारे कॉलीग्स की जो है वो आज है बर्थडे। और हमारे दो कॉलीग्स की बर्थडे हैं, एक है हमारे सर हमाद जो हमारे मीडिया डिपार्टमेंट को देखते हैं, उनकी बर्थडे है। मे बी वो जो है वो मेरा व्लॉग देखें, क्योंकि उनको मैंने रिसेंटली बताया था कि सर मैं भी थोड़ा सा इसी इदारे से बिलोंग करती हूँ। और दूसरी हमारी कॉलीग है मिस असमा, उनकी बर्थडे है। और वो इतना कोई खूबसूरत व्यू है मेरे पीछे, वाह वो देखो इतना खूबसूरत है कि पीछे से मैं घूम जाती हूँ। तो इतना कोई प्यारा वेदर है और गर्मी भी नहीं है, थोड़ी बहुत हब्स वगैरह फील हो रही है, बट इट्स ओके। तो अभी मैंने सोचा थोड़ा सा मैं आप लोगों को भी बता दूँ ताकि जो है वो मुझे नहीं बताना
तो अभी जो है वो चलते हैं, थोड़ी सी डेकोरेशन आपको दिखाती हूँ। बड़ी पार्टी शार्टी आज हमारे ऑफिस में, ऑफिस में तो नहीं, ऑफिस में ही है। दिस इज द डेकोरेशन ऑफ, वाओ है ना, वाओ नाइस लग रही है। तो ये लगता है यूपी येलो वाला केक है, ये मिसेस मक और जो ये वाला केक है मिसेस मक, मेरा आप ना ब्लॉग जरूर देखेंगे, थोड़ी साइज लीजिएगा है ना, ये वाला हाँ मिसेस मक, ये जो येलो वाला केक आई थिंक ये आपका है राइट? किसको, मिसेस मक को नहीं आता यार, डेकोरेशन किसने की है? वो रेड बटन है। अभी जो है वो हम निकल रहे हैं, निकल नहीं चुके मतलब निकल चुके हैं, अभी निकल रहे हैं, मेट्रो के पास है, मेट्रो के पास है, अभी घर जाएंगे और घर के बाद आपको बताएंगे कि क्या एक्टिविटीज हैं। आज मैं भी डिसाइड कर रही थी कि खाना क्या खाना है, क्योंकि बता दिया कि क्या बनाओ, अभी नहीं रिवील नहीं करूंगी ना, जाके दिखाऊंगी। ओके घर आने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, पहले सोचा चिकन बना लेती हूँ, लेकिन नहीं, फिर मुझे याद आया कि चलो यार चिकन के बजाय इस बार जो है वो चिकन के कबाब बना लेते हैं। बहुत अरसे से दिल कर रहा था, यहाँ मैंने लहसुन अदरक सूखा हुआ धनिया और जो ज़ीरा होता है ना वो जो है वो अच्छे से कूट लिया है, और क्योंकि इससे जो स्मेल है ना कबाबों की बहुत ही मज़ेदार आती है। और यहाँ मैंने सारी चीज़ें डाली हैं, हरा धनिया डाला है, मिर्चें डाली हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, श्रेड करके छोटे छोटे आलू डाले हैं, और बोटियाँ जो श्रेड की जाती हैं अपने हाथों से आप रेज़ा रेज़ा कर लें, अच्छे से मैंने उनको गला लिया था, और ये मैं उसका पेस्ट बना रही हूँ। ठीक है, पेस्ट आपने बिल्कुल सूखे हाथों से बनाना है गाइस, ताकि ये आपके साथ जो हाथों में चिपचिपे ना हो। उसके बाद मैंने फ्राई कर लिए थे, लेकिन मुझे याद नहीं रहा कि मैं वो भी बनाती, क्योंकि जो है वो गैस का इशू था, गैस जाने वाली थी। और उसकी शादी हो गई है, किसकी, मैं थोड़ा ब्लॉग बना लूं, कौन सी साइमा यार? यार वो ऑफिस में बिन तक रही, ऑफिस में मेरे साथ ना, अच्छा अच्छा मैं रूम में आती थी यार, उधर एक लड़की के नाम शाम से, लेकिन वो रिश्वा को नहीं पसंद थी, रिश्वा कह रही थी उसे ना रूम में आने दिया करो, शादी कर लिए। उसके बाद कुछ नहीं, फिर हमने छोटी सी चाय पार्टी की, ठीक है, हम वापस आए, मैक्सी मैंने मैंगोज ले लिए थे, बहुत शदीद से दिल कर रहा था इस पर मैंगोज खाने को, और यह मैं मज़े मज़े से मैंगो खाने लगी। और मैंने जो है वो मार्ट में जाना था, कुछ चीज़ें जो हैं वो मेरे घर की ख़त्म हुई हुई थी, जैसे कि ये ग्रॉसरी या छोटी मोटी थी, वो चीज़ें मैंने ली हैं,
और बिस्किट्स वगैरह लिए हैं क्योंकि सुबह ऑफिस जाती हूँ तो कुछ होता नहीं है। बाकी ब्रेड वगैरह ख़त्म हुई हुई थी और ये हमने आधे जो है वो खोल के उधर ही चाय पार्टी कर ली थी। सर्फ वगैरह नहीं था, छोटी छोटी चीज़ें थी वो मैंने मार्ट से पिक की हैं। और उसके बाद अपने व्लॉग का करते हैं जी यहीं पे एंड। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।